अभी हम लोग जा रहे थे पार्लर क्योंकि मेरे भाई की शादी है। सिटी में घूमे, थोड़ा सा सामान लिए और मेहंदी लगाते लगाते मैं सो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये निशान दिख रहा है यहाँ पर पूरी। और यहाँ पर अब्दुल बाकी अपनी बॉडी दिखाते हुए। YouTube चैनल अल्फेंड बाकी ब्लॉग। सो गाइस, आज है थर्सडे और आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि दिन शुरू होने से पहले ही मेरा तो खत्म हो गया और अभी हो चुकी है मगरिब और अभी हम लोग जा रहे थे पार्लर क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो मुझे थोड़ा मेरा मेकओवर करवाना था और थोड़ा मुझे काम भी था, तो मैं अभी निकल रही हूँ पार्लर के लिए। हमारे घर पर, घर पे आने के बाद मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट, रेस्ट करने के बाद मैं उठी तो मैंने देखा कि रात के खाने का टाइम हो गया है और मम्मी मेरे बना रहे थे फिश, मतलब बना रहे थे मतलब कि उन्होंने पूरा रेडी वेडी करके स्पेशल आज मम्मी फिश फ्राई करने वाले हैं, कुछ माइक्रोवेव में रखेंगे कुछ फ्राई करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। और गाइस, मैं सिटी में गई थी, मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ की पानीपुरी ट्राई की तो मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी, बस मतलब उसका पानी और पूरी भी कुछ इतनी खास नहीं थी, बस नॉर्मल थी, कुछ टेस्ट भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं पहली बार। और उसके बाद मुझे जो ब्यूटी पार्लर में जाना था मैं वो ब्यूटी पार्लर में नहीं गई क्योंकि वहाँ वो क्लोज हो गया था उस टाइम पे, फिर मुझे जो ओपन दिखा तो मैं वो ब्यूटी पार्लर में चली गई, फिर मैंने वहाँ पर जो मुझे काम करवाना था हेयर कट वगैरह वो करवाया। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सिटी में घूमे, थोड़ा सा सामान लिए, जो हमें सामान लेना था वो सामान लिए और उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। तो अभी खाने का टाइम हो रहा है और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फिश कैसी लग रही है। मैं पहले फिश नहीं खाती थी बट मैंने धीरे धीरे करके खाना चालू कर दिया क्योंकि फिश भी कभी कभी खाना चाहिए, सब इंसान को खाना चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ फिश के कैसे फ्राई करने वाले हैं। तो मैं बैठी हूँ अभी खाना खाने के लिए और यहाँ पर हमारी फिश हो गई है रेडी। तो मैं मिलती हूँ खाना खाने के बाद। 2000 years later. So guys, खाना खाने के बाद हम लोग सब मेहंदी लगा रहे, तो मैंने भी एक हाथ पर मेहंदी लगा ली और मेहंदी लगाते लगाते मैं सो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये निशान दिख रहा है यहाँ पर पूरी मेरे फेस पे मेहंदी लग गई थी, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा लाइट हो गया। फिर उसके बाद मैं सुबह उठी, आज है फ्राइडे तो मैं फ्रेश फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद अभी हो चुका है जोहर की नमाज का टाइम तो मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। सो गाइस, आप लोगों को बैकग्राउंड चेंज दिख रहा होगा या हमारा घर दिख रहा होगा तो मैं आप लोगों को काफी सुनाती हूँ क्या हुआ क्या एक्चुअल। तो मैंने दोपहर की नमाज पढ़ना हो गई थी जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने खाया था दोपहर का खाना। हमारे घर पर खाना खाने के बाद मैंने किया बाकी को कॉल के बाकी मुझे लेने के लिए आओ क्योंकि मैं जो आग में और रिसेप्शन में कपड़े पहनने वाली हूँ वो मेरे कपड़े घर पर ही है और मुझे कपड़े और ज्वेलरी बाकी दूसरी एक्सेसरीज भी लेना थी, तो जल्दी से मुझे बाकी लेने के लिए आए घर पर से और मैं आ गई हमारे घर पर अभी यहाँ पर। और मैंने मेरी पैकिंग जो भी करना थी मैंने सब पैकिंग अभी कर ली है और बाकी ने मुझे आते साथ ही पास्ता बनाने लगाया। और देखिए गाइस, मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, बाकी का अभी पास्ता खाना हो गया तो अभी बाकी मोबाइल में लगे हुए हैं और मैं आप लोगों को पास्ता बताती हूँ। मुझे आते साथ ही बाकी ने बनाने लगाया, खुद ने भी खाया और मुझे भी थोड़ा सा खिलाया। जब थोड़ा सा बचा था तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग उसको ऊपर खाएंगे उसके बाद। अरे बाकी सुनो ना, अपना पार्सल आने वाला था, हमने एक लाइट ऑर्डर की थी तो वो का है, अपने ऑर्डर करे थे बहुत पहले तो आ गए होंगे शायद अभी तक। तो मैं इतना बिजी हो गई कि हमारी कॉल पे भी ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है ना। तो बाकी कहाँ है वो लाइट? कौन सी? अरे यार ऐसा अनजान पड़ता जैसा आपको कुछ मालूम नहीं, इधर आओ इधर आओ। लाइट उसमें
लाइट आने वाली थी, आप इधर आओ, छोटा सा बॉक्स इधर आओ। अरे तो कौन सी लाइट है वो? अरे यार तो कौन सी लाइट है ये तो बोलो नीको। वो नहीं मालूम, बस अपन ने करे थे ना यार यहाँ बैठ के ऑर्डर, हमने करे करा था। अब बस हो गया, चलो कार है क्या आपने बताओ, आई ना लाइट? आप बोल रहे थे पार्सल आया, क्या मालूम क्या बोलते क्यों। चलो आगे, इतना सा बॉक्स है उसमें लाइट कहाँ से लेंगे जी? नहीं मालूम, आपने अनबॉक्स तो नहीं करे ना? मैंने तो नहीं, आप कर दे थोड़ी है, आप कर दे जो। गुड, बताओ। चलो यार सामने तो रखा दिख रहा नहीं, अंधे बन गए। अरे हम समझे वो इतने इतने से बॉक्स में लाइट है ये क्या मालूम। अरे तो तो गाइस ये है वो लाइट, तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसा आया है हमारा प्रोडक्ट, है ना? चलो सही बोलो, ये बॉक्स में क्या है? पहले लाइट है, तो अभी इतने छोटे बॉक्स में अनबॉक्सिंग, इतने छोटे बॉक्स में करते हुए तो लाइट तो बड़ी रहती ना। अरे यार छोटी लाइट है वो, बड़ी नहीं है जी। अरे वहाँ पे वो है अपने ब्लेड रखे हुए है, उससे भी खोलता हो। इसमें तो बहुत ज्यादा है। अरे अरे टिल्लू सा रिमोट भी है इसमें बाकी। इसको जुड़ा कर दो, ये मुझे नहीं आएगा जुड़ाना। अरे 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 तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। नहीं नहीं आएगा, चाहिए इतने भी वो नहीं है। तो बाकी मुझे इंस्टॉल करके दो लाइट जल्दी से। रुको ना, करके देता ना, मोबाइल तो बंद करो पहले। तो आप जल्दी कर दो ना यार। तो करता ना मैं, रुको ना जरा। ओके बाकी कितने मशगूल हो गए, कब से लाइट जुड़ा रहे और मैं यहाँ पर एड़ो के वैसे बैठी हुई हूँ, तो जरा थोड़ा हमको भी बताओ रुको ना जरा लाइट के बारे में कि इसको कैसे जुड़ाते हैं। अभी उसमें से कलरफुल लाइट आई है ना, ये जितना रिमोट में दिख रहा है उतने सारी लाइट आएंगे इसमें। वाओ इसको साबुन साइड टेबल पे भी रख सकते हैं अपने साइड ड्रॉर्स पे, है ना? देखेंगे, रुको ना जरा। हो गई क्या जुड़वाना जुड़ाना? हो गई वो, बोलो ना यार बाकी। चलो हो गई, जुड़ गई। देखने का इसको क्या करके देखने का, लगा कर देखने का, उधर 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 लगा के देखने, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, उधर उधर लगा रहे, रुको तो सबर। सो गाइस बाकी गए लाइट चेक करने के लिए दूसरे रूम में, तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर। बाकी बताओ जी। वाह बताओ, आ गए आ गए आ गए। वाह ये तो रेनबो के जैसे लग रहे कलर से ना, इतनी अच्छी है ये, है ना? अच्छी है ना? अच्छी नहीं, कुछ भी मंगाते रहते आप, आपको समझता नहीं। कितनी प्यारी दिख रही है ये लाइट, और यहाँ पर हमने इसका प्लग लगाया है, और ये रहे अब्दुल बाखी। लाइट ऑफ करके देखेंगे अपन कैसी लगती, लाइट ऑफ करो। वाओ कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए नहीं पालो। अरे ये दीवार पे कैसी रेनबो बन रही है, और यहाँ पर अब्दुल बाखी अपनी बॉडी दिखाते हुए। चलो यस लाइट ऑन करो। अरे ये वाला नहीं बाप, लाइट का बटन भी नहीं मालूम। तो गाइस हमारा ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही सक्सेस रहा, और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट। और अभी हमको दूसरा काम करना, ये एक काम हमारा खत्म हो गया है, और अभी हम दोनों खाएंगे पास्ता। पास्ता खाने के बाद हम दोनों मिलते हैं। तो अभी हम लोगों ने खा लिया है पास्ता, और पास्ता खाने के बाद लाओ लस्सी अब, और अभी हम पियेंगे थोड़ी सी लस्सी, क्योंकि बहुत ज्यादा पास्ता बहुत दिनों के बाद बना था, और लस्सी जो है हमारे भैया ने बाहर से लेकर आ गए थे रेडीमेड, तो बहुत ज्यादा टेस्टी और ठीक थी। तो हम लोगों ने दोपहर में पिया नहीं था क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसीलिए अभी हम पियेंगे लस्सी, और मैं जा रही थी फ्रिज में से लस्सी लाने के लिए। तब तक बाकी वेट करो आप, ओके? और एसी भी पूरा फुल पे करके बैठे अब्दुल बाकी, एसी भी कम कर दीजिए।
लस्सी मैंने फ्रीजर में ठंडी रखा। और गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो लस्सी है ना, ये हमने भगोने में ही रहने दिया, क्योंकि हम लोगों ने सोचा, हाँ, और क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हम भगोने में से ही लस्सी पी लेंगे, है ना पापी। हमने बोला कहा ग्लास में लेके और चोसले करके पियो, बहुत ज्यादा। अरे कहाँ रखे खुद ने, कहाँ रखे थे? फ्रीजर में। आपको घूमे भाई है, लाओ मोबाइल लाओ, पूरी लस्सी खराब कर दिए। हाँ इधर देखो जरा, पूरी लस्सी खराब कर दिए जी, कैसे? तो हमारी लस्सी जो है वो ज्यादा मतलब बर्फ बन गया उसका, थोड़ा ऊपर रहेंगे तो खुद बर्फ पिघल जाएगा। कैसी लग रही है आइसक्रीम की, वैसी लग रही? कैसी लग रही? मैं अच्छी लग रही, बर्फ बना दिया खुद ने पूरी। आपका मोबाइल कहाँ है? वहाँ जाओ, वहाँ से कहाँ, किधर? उधर हूँ, उधर। किधर है देखो ना, किधर है? ये इधर रखे थे शायद आपने, ये लो, मशगूल है खाने में, अकेले अकेले खा ले रहे आप। बर्फ बना दिया आपने। तो गाइज मैं शादी में इतना बिजी हो गई हूँ कि मुझे व्लॉग बनाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। और डोर लगाओ एसी के ऊपर, वो नहीं हो रहा। अबे हम अच्छा बोल रहे थे ना यार, डोर लगाओ, आपने बीच में बोल दिए। हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पर थी कि मैं शादी में इतना बिजी हो गई हूँ कि मुझे व्लॉग बनाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। और बाकी इधर मैं हूँ मेरे अभी मम्मी के पास, तो अभी मैं खाऊंगी लस्सी। लस्सी खाने के बाद देखो कैसा बर्फ बना दी, बताओ। तो मेरा टॉपिक ये चल रहा था कि मुझे, मैं इतना बिजी हो गई हूँ शादी में कि मुझे व्लॉग बनाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है, और बाकी भी इधर है, मैं उधर हूँ, तो व्लॉग बनाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना, है ना बाकी। ये वाला व्लॉग 2 बज रहे हैं और बाकी मुझे अभी रिटर्न जा रहे है मेरे घर पे छोड़ने के लिए। तो बाकी की तो आज शामत आई हुई है ना बाकी, बहुत सारा सामान नहीं है, मतलब कि एक शॉपर है, 2 शॉपर है बस। चलो तो बाकी मुझे जल्दी से छोड़ के आ रहे हैं अभी 2 बजे घर पे। मेरा रुकने का इरादा था बट मिस्टर बाकी ही नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि आप जाओ, मुझे मूवी वूवी देखने हैं अकेले में शांत। क्या बोल रहे थे आप? मूवी देखने का। चलो उठो जल्दी जल्दी। और ये देखो गाइस, मेरे जो भी कपड़े लेके जाने के है वो यहाँ पर है, सब मैंने पूरे पैक करके रख दिए। अभी मैं जा रही हूँ मेरे घर पे, तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर ही एंड होता है। और सॉरी गाइस, आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई हूँ, मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए भी वक्त नहीं रहा। और ये आप लोग मेहंदी देखिए, ये मेहंदी जो है हाफ अधूरी छोड़ के मैं आई थी, ये देखो, और इसका कलर भी नहीं चढ़ा, इतनी बिजी हो गई हूँ मैं। तो इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड होता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।